अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो डिप्रेशन से रेलिवेंट है, जो मेंटल डिसऑर्डर से रेलिवेंट है और जो साइकोलॉजिकल आपकी जो वेलबींग है उसके साथ एसोसिएट करता है। और ये लास्ट मंथ मैं एक सेशन अटेंड कर रहा था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन से, और इस सेशन में पिम्स के चेयरपर्सन और डीन डॉक्टर रिजवान ताज ने कुछ अलार्मिंग जो डेटा है वो अपने लोगों के साथ शेयर किया उस प्रोग्राम में, और उसमें मैं हैरान हो गया सुन के कि उसने कहा कि मोर देन 50% जो पाकिस्तानी लोग हैं ये मेंटल डिसऑर्डर और डिप्रेशन का शिकार है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कुछ 33% लोग ऐसे हैं जिनको कोई हल्की नोयत की जो डिप्रेशन जो है और मेंटल डिसऑर्डर है या मेंटल डिस्टर्बेंस है वो चल रही है। और मैं हैरान हो गया कि अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करें ये तकरीबन 80% से ज्यादा, 80% से ज्यादा पाकिस्तानी किसी ना किसी किस्म के मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हैं। तो ये एक साइड पे है। इसके साथ जब उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट जो हैं वो कितने हैं, तो वो रेशियो देख के मैं हैरान हो गया कि वो 1 लाख लोगों के लिए एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट है, 1:1 लाख थी। और ये नंबर जब नंबर ऑलरेडी बहुत बड़ा है, लेकिन साथ जब इसका दूसरा एस्पेक्ट देखा तो वो ये था कि ये जो 1 लाख लोगों के लिए एक हेल्थ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट है, तो वो जो है वो तकरीबन सारे के सारे अर्बन एरियाज में अवेलेबल है, वो रूरल एरिया में अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब है रूरल एरिया और ज्यादा डिप्राइव्ड हो गए। तो अब जिस वक्त 80% से ज्यादा लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं तो उसकी मुख्तलिफ काजिज हैं। उनमें जो सबसे पहली है वो ये होती है कि बेसिक नीड की एक्सेस, कि लोगों को बेसिक नीड जो है वो डिस्टर्ब कर रही है, वो जब पूरी नहीं होती लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, ये इसका स्टार्ट होता है। फिर इसके साथ जो बेरोजगारी है, क्योंकि पाकिस्तान में डिपेंडेंसी रेट बहुत ज्यादा है, एक बंदे पे 6-7 लोग डिपेंड करते हैं, और जब एक बेरोजगार होता है तो सारा प्रेशर उस पर ही आ जाता है। कोविड के दिनों में ये मेंटल डिसऑर्डर का जो है इशू और मेंटल वेलबींग जो है ये एक बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान का रहा, लेकिन हम इसको ट्रीट नहीं कर सके क्योंकि हमारे पास हेल्थ एक्सपर्ट ही नहीं है। और इसके साथ इस वक्त जो एक प्रॉब्लम आ रही है वो महंगाई है। महंगाई ने भी लोगों को मेंटली जो है वो डिस्टर्ब कर दिया हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन भी आपको डिस्टर्ब करती है, और आपकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये भी आपकी मेंटल वेलबींग में रोल प्ले करती है। और जब डॉक्टर रिजवान ताज ने ये बताया कि 80% से ज्यादा लोग तो किसी मेंटल डिसऑर्डर का या डिप्रेशन का शिकार है, साथ ये हुआ कि हेल्थ एक्सपर्ट भी बहुत कम है, जिसकी वजह से मोर देन 90% डिप्रेशन के जो पेशेंट हैं ये अनट्रीट होते हैं, इनको ट्रीट ही नहीं किया जाता। हमारे पास फैसिलिटीज ही नहीं है, हमारे पास सेंटर्स ही अवेलेबल नहीं है, हमारे पास इन्वायरमेंट ही नहीं है, ये प्रॉब्लम है। अब ये हमने देखा कि पाकिस्तान में डिप्रेशन की क्या सिचुएशन है, ये बहुत अलार्मिंग है। कौन से इसके फैक्टर्स हैं, ये वो फैक्टर हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक फैक्टर आप एम्प्लॉयमेंट लेवल आप नहीं चेंज कर सकते, लॉ एंड ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते, महंगाई आपके कंट्रोल में नहीं है, ये चीजें तो आगे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, इन पे हम एक और किसी वक्त सेशन रखेंगे। इसके बाद इस पे प्रोग्राम के बाद मैंने सोचा कि ये हमारी सोसाइटी इसमें क्या रोल प्ले करती है। तो जब मैंने उसको इन डेप्थ एनालाइज किया तो पता चला कि हमारी सोसाइटी ही हमारे डिप्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में पाकिस्तान में अगर आप जनरली देखें तो हमारे ना 3 किस्म के लोग पाए जाते हैं। पहली किस्म के वो लोग हैं जो अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, किसी की जिंदगी में ये पॉजिटिव मूव लेके आते हैं, किसी की जिंदगी में पॉजिटिव इंजेक्ट करते हैं, किसी की जिंदगी में खुशी का सबब बनते हैं। और इन लोगों का लाइफस्टाइल ये होता है कि इनके पास पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, इनके पास पॉजिटिव अप्रोचेस होती हैं, इनके पास आप अगर 10 मिनट बैठते हैं तो आपकी जिंदगी में जो परेशानियां हैं वो थोड़ी सी कम लगती हैं। आपको कोई बहुत बड़ा इशू फेस करना पड़ता है, इस तरह के लोगों को आप पॉजिटिव से थिंकिंग वाले लोगों के पास मिलते हैं तो आपका वो इशू छोटा होना शुरू हो जाता है। आप कहीं भी परेशान हैं उनको मिलने के बाद आपको
जो परेशानी है वो थोड़ी होनी शुरू हो जाती है, या थोड़ी महसूस होती है, या आप अनहैप्पी हैं तो आप हैप्पी होना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह के लोग किसी की जिंदगी में नेगेटिव कंट्रीब्यूट नहीं करते। अगर ये कंट्रीब्यूट करते हैं तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करते हैं, वो इंडिविजुअल की लाइफ में भी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं, वो सोसाइटी में भी पॉजिटिव वेव्स छोड़ते हैं, और ये किसी की जिंदगी में नेगेटिव मदाहलत नहीं करते और किसी को भी अपनी जिंदगी में नेगेटिवली मदाहलत नहीं करने देते, और ये खुश तरीन लोग हैं। और इनकी रेशियो पाकिस्तान में सिर्फ 2-3% लोग हैं, इससे ज्यादा नहीं है। और अगर आपके हल्का अहबाब है कोई इस तरह का पॉजिटिव थिंकिंग वाला, आपको खुशी देने वाला या आपको हौसला देने वाला, आपको एप्रिशिएट करने वाला बंदा अगर है तो वो आपके लिए नेमत है और उसकी कदर करें। दूसरी किस्म हमारी सोसाइटी में वो लोग हैं जो किसी की जिंदगी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट नहीं करते, लेकिन ये नेगेटिवली भी कंट्रीब्यूट नहीं करते। ये आपको अनहैप्पी से हैप्पी नहीं कर सकते, लेकिन ये आपको हैप्पी से अनहैप्पी भी नहीं करते। और इनकी ये खूबी होती है, ये किसी की जिंदगी में ना पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं और ना ही नेगेटिवली करते हैं, और किसी को भी ये अपनी जिंदगी में मदाखलत की इजाजत नहीं देते। और ये भी आपकी सोसाइटी के लिए एक नेमत है कि इन इस तरह के लोगों से आपकी सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, और ये लोग जो है ये कोई आपके 6-7-8% तक है, इससे ज्यादा नहीं है। अब तीसरा पोर्शन, वो मेजर पोर्शन है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोगों की जिंदगी में नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। जो बता रहा था डिप्रेशन, ये लोग डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी काज होते हैं। कि आप अपनी सोसाइटी में देखिएगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि किसी बंदे ने किसी के बारे में बात की, जनरल बात की, उसको थोड़ा सा मसाला लगा के उस बंदे को सुना के आते हैं। अब जब वो बात कहीं से निकली, दूसरे मुंह पे गई, तीसरे मुंह से आई, चौथे मुंह ने मसाला लगाया, जाके फिर उस बंदे तक पहुंचती है, और बात निकलने से लेके वहां तक पहुंचने तक वो अपना रूप चेंज कर लेती है, वो अपना स्टाइल चेंज कर लेती है, वो अपना स्ट्रक्चर चेंज, इवन उसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। और जब वो बंदे की बात उस तक पहुंचती है, पहुंचने तक बात हाई लेवल तक जा चुकी होती है, तो वो उसके लिए एक परेशानी का सबब बनता है। यार वो तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, उसको ये बात तो नहीं थी करनी चाहिए मेरे बारे में, यार वो तो मेरा रिलेटिव है, वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है। आप अपने अंदर आपका जो माइंड है इसमें एक प्रोसेसिंग शुरू करते हैं, जिसकी वजह से उसके लिए वो नफरत का दृढ़ पैदा हो जाता है। और आप जब उस बंदे के सामने जाते हैं, आपने अभी उससे बात नहीं की, उसने आपसे कोई बात नहीं की, आपने सिर्फ सुना है, लेकिन आपने अपने अंदर नफरत का एक बड़ा पौधा उसके खिलाफ लगा लिया होता है। जिसकी वजह से जो एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि हम कम्युनिकेट नहीं करते, हमने सुनी और खुद एक्शन कर लिया। अब ये जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं, इनकी दूसरी खूबी ये होती है कि ये अपनी जिंदगी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते कि हम कहां पे हैं, ये नहीं सोचते कि हमारे पास क्या खूबी है, ये नहीं सोचते कि हमारे अपने में क्या खामी है, ये नहीं सोचते कि हमें अपने को बेहतर करने की जरूरत है। ये हमेशा अपने को इग्नोर करके दूसरों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, और वो भी नेगेटिवली। और ये सोसाइटी में हर चौथा पांचवां बंदा आपको इस तरह का नजर आता है, जो कहीं से बात उठाई और कहीं बात कर रहा होता है, जिसकी वजह से सोसाइटी में एक नेगेटिविटी चल रही होती है। और इनका सिंपल सा सलूशन होता है कि अगर आपके बारे में कोई बंदा आपको बात सुना रहा है, आप कोशिश करें उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लें, आप कोशिश करें उस बंदे से ही डिस्कस कर लें, उससे पूछ लें कि भाई जान आपने मेरे बारे में ये बात की है, वो कहेगा मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं है। तो इसलिए ये लोग जो है ये हमारी सोसाइटी में डिप्रेशन को इंक्रीज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए इनको अगर आप मैनेज कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत हो सकती है, आपकी जिंदगी जो है अनहैप्पी से हैप्पी में कन्वर्ट हो सकती है। इसलिए हम जो 80% से ज्यादा लोग डिप्रेशन में है, हम उनके लिए ट्रीटमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने सोशल बिहेवियर चेंज करके किसी की कोई नेगेटिव बात बताता है तो उसको वो नेगेटिव की बजाय उसको थोड़ा मोल्ड करके और नेगेटिव की बजाय थोड़ा पॉजिटिव अगर बताएंगे तो यकीनन उसके लिए वो बेहतर होगा। और अगर कोई बंदा बता रहा है कि उसमें ये हामी है, आपने सुनी और आपने आगे जाके उसको हामियां और ऐड करके ना बताएं, आप उसमें दो खूबियां ऐड करके बताएं, वो तो आपके बारे में ये कह रहा था, आपको खुशी होगी। इसलिए इन तरह के सोशल बिहेवियर को चेंज करके हम अपने डिप्रेशन को काफी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं।